आदरणीय चेयरमैन यूजीसी, चेयरमैन एआईसीटी, आदरणीय रोजर जी वाइस चेयरमैन एआईसीटी, मेंबर सेक्रेटरी यूजीसी आदरणीय चारण जी, एनसीसीआईपी के अन्य सदस्य और यूजीसी से आए हुए हमारे मेहमान, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज छुट्टी के दिन इस इम्पॉर्टेंट काम के लिए समय निकाला और इस चर्चा में जो आज पूरे दिन होने वाली है इसमें आपके सजेशन और आपके इस यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू में क्या होता है, किस तरीके से हमने एआईसीटी में इम्प्लीमेंट किया, इसका एक झलक आप जो है आप दे पाएंगे, क्योंकि एक दिन की वर्कशॉप शायद इसको समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमने एआईसीटी में, मैं बताना चाहूँगा, जब ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया तो सबसे पहले 3 दिन की वर्कशॉप सर हमने अपने एआईसीटी के ऑफिसर्स के लिए की, जिसमें सारे एआईसीटी के ऑफिसर्स हुए। उसके बाद हमें लगा कि अभी भी पूरा एक हम लोग चीज़ों को नहीं अपने ऑफिसर्स के मन तक ले जा पाए हैं। एक 5 दिन का वर्कशॉप हमने सर, वो हमें पैनडेमिक ने मौका दिया, ऑफिसेज बंद थे, ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से हमने 5 दिन की वर्कशॉप सारे एआईसीटी के ऑफिसर्स ने की, और तब जाकर और उसके बाद समय समय पर प्रोग्राम्स में जाते हुए, प्रोग्राम्स के विभिन्न उसमें पार्टिसिपेट करते हुए हम इस प्रोग्राम को काफ़ी हद तक समझ पाए, काफ़ी हद तक, पूरा शायद अभी भी हम, मैं नहीं लगता कि हम इसको समझ पाए होंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत वास्ट एक विषय है। सर थोड़ा सा एक मिनट और लेते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जब हमने ये इंडक्शन प्रोग्राम कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट किया, उससे पहले ये प्रोग्राम IIT BHU और कई अन्य देश के प्रमुख संस्थानों में चल रहा था, तो मुझे और NPIU से, डॉक्टर कोट के उस टाइम NPIU को देखते थे, उनको IIT BHU हम लोग गए सर, और हमने सुबह 6 बजे से 5:30 बजे से शाम को 8 बजे तक ये बच्चों के साथ रहते हुए कि बच्चे किस तरीके से, सो वी वर पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टीम एट द टाइम एंड वी अटेंडेड दैट प्रोग्राम एट IIT BHU। सो बिकॉज टाइम इज शॉर्ट, आई विल जस्ट शेयर वन इंसिडेंट एंड देन आई विल क्लोज विद थैंक्स टू, फॉर्मल थैंक्स टू ऑल माई कोलीग्स फ्रॉम UGC। सर एक ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का, व्हेन यू अंडरस्टैंड द रिलेशंस, उसकी एक बात चल रही थी, उसमें एक सेशन में इंटरेक्टिव सेशन है, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया था, हम किसी को कोई चीज़ थोपी नहीं जा रही थी वहाँ पर, उनको एक विषय दिया गया था उस पर चर्चा चल रही थी, तो एक बच्चा सर खड़ा हुआ IIT BHU में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर का एक बच्चा था, वो शायद पंजाब का बच्चा था, तो वो कह रहा था कि सर जब मेरा JEE का रिजल्ट आया था, उस JEE के रिजल्ट में आने पर मेरी पेरेंट्स को जो अपेक्षा थी कि मुझे कंप्यूटर साइंस मिलेगा और IIT बॉम्बे में मिलेगा, वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई उसकी और उसकी रैंक काफ़ी नीचे आई, तो उसके पेरेंट्स ने 1 महीने तक उससे बात नहीं की, 1 महीने तक उससे बात नहीं की, वो बच्चा ही वॉज कन्फाइंड टू ए रूम, ही वॉज वॉचिंग TV, ही वॉज रीडिंग बुक्स, बट उसकी मदर और फादर बात नहीं कर रहे थे। देन दैट स्टूडेंट कह रहा था, वो बच्चा खुद बता रहा था कन्वर्सेशन में, कि उसने डिसीजन लिया कि वो जो भी उसको मिलेगा काउंसलिंग में वहाँ जाएगा और ही ज्वाइंट IIT BHU। तो इस टाइप की उस 12th class का बच्चा जो हार्डली 16-17 साल का, उसकी मानसिकता को आसानी से समझा जा सकता है कि जब उसके माँ बाप उससे बात ना कर रहे हों कि उसके रैंकिंग अच्छी नहीं आई है, तो ये सब चीज़ें एक बच्चे की मानसिकता को समझने के लिए हमें एक मौका देती हैं और एक चैलेंज हमारे ऊपर पोस्ट करती हैं। तो मुझे लगता है कि वो बच्चा एक खुल के बात उस प्रोग्राम में इसलिए बता पा रहा था कि उसको एक मीडियम मिला, इसको एक मौका मिला, अगर वो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में रह जाती तो शायद वो पता नहीं आगे चल के उसको किस रूप में वो समाज को देखने को मिलता। तो ये एक प्रोग्राम का सर एक छोटा सा आउटकम, मैंने अपनी आँखों से बहुत सी चीज़ें मैंने सुबह शाम तक देखी, वो चर्चा करने का अभी समय नहीं है। मैं एक बार आप सभी का फिर तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि आप सब लोग यहां पर आए और इस प्रोग्राम का पार्ट बन रहे हैं। धन्यवाद।